अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बलोची फ़िश बलोची टिक्के तो आपने बहुत खाए होंगे सो so आई नॉट टू ट्राई दिस बलोची फ़िश बहुत ही मज़ेदार और विंटर के लिहाज से तो आपको पता है फ्राई फ़िश तो बहुत ही मज़ेदार रहती है सो आई थॉट के इसको बनाया जाए सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ़िश ले लिया मैंने किंग फिश है ये अराउंड थ्री हंड्रेड ग्राम्स है छोटे स्मॉल पीसेज लिए हैं आप चाहें तो बड़े पीसेस भी ले सकते हैं जैसे कि आपको है सुरमई है बड़े पीसेस इसके बहुत मज़ेदार होते हैं सो तो अगर आप बड़े पीसेस लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं अच्छा जी मैरिनेशन के लिए कुछ स्पाइसिस की नीड है और साथ में हम ले, ले लिया है जिंजर गार्लिक क्रश हुआ ठीक है और साथ में हरी मिर्च लेनी हैं जो के हैं बारीक वाली ली हैं छः से सात अदद और अगर आप चाहें तो जो मोटी वाली हरी मिर्ची यानी कि जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कुछ स्पाइसेस ले लिया हैं मैंने जिसमें ब्लैक सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी जाएगी चाट मसाला हाफ़ टी स्पून हल्दी हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और क्यूमिन और क्रश कोरिएंडर जाएगा इसमें वन टेबल स्पून तो बस ये तमाम स्पाइसेस डाल के हम अच्छे से फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे अराउंड हाफ आवर के लिए तो अच्छे से इसमें मसाला जो है वो लग जाएगा तो तमाम स्पाइसेस को हमने ऐड कर लिया है स्पाइसेस आप अपने लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और अब मैं इसमें साथ में ऐड करूँगी ऑयल ऐड करूँगी अराउंड वन टेबल स्पून तो अच्छा सा जो है वो इसमें मैरिनेशन हो जाएगा तो आपने ऑयल ऐड कर लेना है और साथ में मैं इसके ऐड कर लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी तो बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो लेमन का फ्लेवर आ जाएगा और बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करके फिश को मैरिनेट कर लेना है तो इस तरह जो है हमारी मैरिनेशन डन हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए इसको रख देंगे ताकि अच्छे से जो है वो मसाला जो है वो उसमें डेडी हो जाए तो ये देखिए फ़िश को मैं मैरिनेट कर रही हूँ अच्छे से ये हमारी जो है वो मैरिनेशन डन हो गई है कवर कर दूँगी और मैं इसको हाफ आवर के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से जो है वो सारा फ्लेवर जो है स्पाइसेस का वो फिश में आ जाए अच्छा जी एक पैन ले लिया है फ्राई पैन ले लेंगे सबसे पहले जो है हमने ऑयल गरम कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मैंने जिसमें मैं ऐड कर लूँगी क्रश जिंजर और गार्लिक अच्छे से इसको ब्राउन कर लेंगे फ्राई करने के बाद जो इसका फ्लेवर आता है बहुत ही मज़ेदार होता है और फ़िश के साथ बहुत ही मज़े का लगता है तो अच्छे से इसको हम ब्राउन कर लेंगे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करिएगा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तो देखें ये जो है हमारा क्रश जिंजर और गार्लिक जो है वो फ्राई हो चुका है और अब साथ में मैंने ऐड कर लिया है हरी मिर्चें एक, एक मिनट के लिए हम इसको भी हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे तो ताकि इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और बस एक मिनट इसको फ़्राई करने के बाद ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं तो अब जो है वो हम इसे सेपरेट कर लेंगे और इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे फ़िश को फ्राई करने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है एज अ स्टार्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आप राइस या दाल चावल के साथ भी सर्व करना चाहते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं तो बस ये जो ऑयल बचा था हमारा हमने उसमें अपनी जो है वो फ़िश को फ्राई कर लेनी है एक साइड जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी तो हम जो है इसका साइड चेंज कर लेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे फिश को तो देखें कितने क्विकली ये जो है हमारी रेसिपी डन होने वाली है एक साइड जो है फिश फ्राई हो चुकी है और अब हम इसको टर्न कर लेंगे और इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे तो जैसे ही फिश हमारी फ्राई हो चुकी है उसके बाद जो है मैंने हमने जो आ, हरी मिर्चें और जिंजर और गार्लिक को फ्राई किया था वो ऐड कर लिया है थोड़ा सा मैंने सेव कर लिया है वो गार्निशिंग में ऐड करेंगे और एक से दो मिनट के लिए आप इसको इस मछली के साथ ही फ्राई होते हुए रख लेंगे तो अच्छे से तमाम चीज़ों का फ्लेवर फिश में आ जाएगा तो ये देखें डन हो चुकी है हमारी रेसिपी और अब मैं इसे सर्विंग ट्रे में निकाल रही हूँ और उसके बाद जो भी हमारा क्रश जिंजर और गार्लिक हमने सेव करके रखा था वो भी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे तो कहा देखिए कितने मज़े की ये बलूची फ़िश जो है वो हमारी रेडी हो गई है आई होप यू लाइक दिस रेसिपी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और विंटर का मज़ा लीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा टेक केयर अल हाफ़